नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिया स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही IMP हैं, और जितने भी इन क्वेश्चनों से जितने एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में निम्न में से कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है? और दोस्तों, अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत हीटर। और यही बात करें हम विद्युत बल्ब की, तो विद्युत बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और यही बात करें हम विद्युत मोटर की, तो यह विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दोस्तों, ये सारे फैक्ट आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक पारसिक बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3.25 प्रकाश वर्ष। और अगर दोस्तों पूछ लिया जाए कि पारसिक क्या है, तो पारसिक दूरी की इकाई है जिसका प्रयोग खगोलीय पिंडों की दूरी मापने के लिए किया जाता है, तो आप इसे याद रखें। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वृद्धि हार्मोन्स का स्थावरण कहाँ से होता है? तो दोस्तों, अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आप। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा। क्वेश्चन नंबर फोर है, न्यूट्रॉन की गति का पहला नियम किससे संबंधित है? तो दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जड़त्व। न्यूट्रॉन की गति के नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश का अध्ययन किया जाता है? दोस्तों, अगर इसका आंसर पता है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में दें। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फोटोलॉजी। और यही हम बात करें फ्रोनोलॉजी की, तो फ्रोनोलॉजी में खोपड़ी का अध्ययन, और यह एंथ्रोलॉजी, तो एंथ्रोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी यह मृदा का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, रक्त क्या है? तो रक्त एक संयोजी ऊतक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन है, मानव शरीर में विटामिन ए को कहाँ पर संग्रहित करके रखा जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लीवर। और यही बात करें हम अगर के त्वचा में कौन सा विटामिन संग्रहित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर एट है, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊर्ध्वपातन। कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि से शुद्ध किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नाइन है, निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। दोस्तों, अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुब्बारों में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। यह कथन जो है बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि गुब्बारों में हीलियम गैस भरी होती है, ना कि नाइट्रोजन, तो इसे आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर टेन है, ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रयोगकर्ता का नाम तथा डोमेन नेम, इसे आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर इलेवन है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो दोस्तों, यहाँ यह ऑक्सीकरण का उदाहरण है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और लोहे को जंग से बचाने के लिए हमें जस्ते का लेपन करना चाहिए, ताकि लोहे पर जंग ना लगे, इसे आप याद। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है, वायु से हल्की गैस है? दोस्तों, अगर इसका राइट आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वायु से हल्की गैस कौन सी है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अमोनिया। वायु से हल्की गैस अमोनिया होती है। क्वेश्चन नंबर थर्टीन है, परम ताप का मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 173 डिग्री सेल्सियस। और अगर दोस्तों बात की जाए कि परम ताप है क्या, तो परम शून्य ताप वह तापमान है जिस पर सभी पदार्थ
वाष्पीय अवस्था में होते हैं। इसे आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 14 है, तपेदिक टीबी नामक रोग किस जीव के कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकोबैक्टीरियम। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि तपेदिक या टीबी, इसे हम क्षय रोग भी बोलते हैं, इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों इसमें फेफड़े फेफड़े प्रभावित होते हैं। इसे आप याद रखें, अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आप ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप इसे याद रखें। क्वेश्चन नंबर 15 है, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं? दोस्तों अगर इसका राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन प्रोणदक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। और मानव शरीर में 6 तत्वों की सर्वाधिक प्रधानता होती है। फर्स्ट तो यही है ऑक्सीजन, जो कि 65% पाया जाता है। अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन 18% पाया जाता है। यही बात करें हम कैल्शियम की, तो कैल्शियम 1.5%। और बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन 3.2%। और बचे जो आपकी दो, तो ये हाइड्रोजन है और फास्फोरस है। हाइड्रोजन 10% पाया जाता है और फास्फोरस 1.2%। दोस्तों अगर आप चाहें तो इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, पूछ लिए जाते हैं अक्सर। क्वेश्चन नंबर 17 है, भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? तो भूरा कोयला के नाम से लिग्नाइट जाना जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कार्बन मोनोऑक्साइड किसे प्रभावित करती है? दोस्तों अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रक्त की परिवहन क्षमता को कम कर देती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अफीम के किस भाग में मॉर्फिन को प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फलावरण में। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऊंचाई मापने के उपकरण को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्टीमीटर। अगर हम बात करें ऑडोमीटर की, तो ऑडोमीटर से पहियों द्वारा तय की गई दूरी का मापन किया जाता है। और बात करें रेडिएटर, तो रेडिएटर से वाहनों के इंजन को ठंडा रखने में। और यही बात करें हम एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से हवा की शक्ति एवं गति की मापन किया जाता है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जीवाणु बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है, जो आपके लिए चैलेंज है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।